पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, पहले वो सुन लेते हैं। फैसला दिया है जिसके पाकिस्तान की मईशत पे पाकिस्तान के जो एक तनाव फैला हुआ है सारी कैफियतों से हमें एक ऐसा माहौल मिलेगा जिससे कि एक हिस्सा, जिस तरह मैंने कहा हमारी सिर्फ रिजर्व सीट्स तो मिल गई हमें, लेकिन अभी हमारा जो दूसरा वो है मरहला है वो है कि हम चाहते हैं कि हमारा फॉर्म 47 के जरिए लाए गए लोगों का जो लाए गए हैं हमें उसका असली मैंडेट वो वापस मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। आज पूरे कौम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए, जमहूरी क़ुव्वतों के लिए, मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या बाहर है, एक खुशी का दिन है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि नवाफिल अदा करें, रब का शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह ताला ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारा हक आखिरकार हमें मिल गया। ये वही हक था जिसके लिए हम कहते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक पे डाका डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। 11 जजेस ने यूनानिमसली अपने अपने नोट में यही कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकदार है इन सीटों का। अल्हम्दुलिल्लाह जो 8 और 5 के तनासब से जो अपीलें अलाउ हुई है उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मिटाना चाह रहे थे वो रिवाइव हो गई है। हम कमीशन को इस्तदा करते, कमीशन से मुतालबा करते फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकाम को फौरन अमल दरामद किया जाए, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इंटर इलेक्शन कमीशन हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। हम पर भी मुतालबा करते कि जल्द से जल्द इन अहकाम पे अमल दरामद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके रिजर्व सीटें दी जाए ताकि जो इलेक्शन रुका हुआ है वो अपने मुकाम पे पहुंच जाए और वो इलेक्शन हो जाए। इस मौका पे मैं ये कहता हूँ इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे चीफ मिनिस्टर के पीके अली अमीन खान साहब ने भी प्ले किया था, जिसने बोर्ड स्टेप लिया था, जिसने इनका ओथ रोका था। हम उनको तेल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। नहीं देख के दोबारा करने पड़ेंगे इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन कराने का और काजी पैसा ने ही इलेक्शन ये रुकी में ऐसे ही होता है। आपने देखा होगा पनामा के केस में भी जो जजमेंट लिखते हैं वो अपना अपना नोट पढ़ के सुनाते हैं, तो काजी पैसा साहब ने कुछ अनमोल नहीं किया, मंसूर अली शाह साहब ने पढ़ा, ये पहले भी होता रहा है। जब कोसा साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, पनामा का केस सुन रहे थे, तो एजाज अफजल साहब ने ही अपना नोट जो पढ़ के सुनाया था, ये होता है। देखे वो एक अलग बात है, लेकिन हमने काजी पाईशा साहब के खिलाफ इस केस पे अदम इतमाद नहीं किया था, यही मशवरा था और यह चलाया था आसान तरीके से।
अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका टू थर्ड मेजॉरिटी जो मांग रहे थे अपने मर्जी के हिसाब से जो आईन में तरमीम करने जा रहे थे वो रास्ता रुक गया। आप ही कुछ बोले। देखें ये मैं कहता हूँ आपसे, पाकिस्तान की आवाम से, आपको मुबारक हो। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरा दिन है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे दिन हैं जब ताकतवर और जाबिर के इरादों को मात दी हो अदालत ने, जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांटते और आइन का हुलिया बिगाड़े आइनी तरामीम के जरिए। उनके इरादे आज पाश पाश हुए हैं, आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है। मैं आवाम को खुशखबरी देता हूँ कि आज हमने एक कानूनी जंग जीती है, अब हमें सियासी जंग भी जीतनी है। पाकिस्तान के आवाम का जो इरादा था 8 फरवरी को, उसको सलब किया गया, उस इरादे को हमने अब मनवाना है और हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। आज की कानूनी फतह एक कदम है उस मंजिल की जानिब। हमारी मंजिल यही है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, पाकिस्तान में आइन का दौरा हो, और जो लोग आइन और जमहूरियत को पामाल करना चाहते हैं उनको शिकस्त हो। हम खड़े हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह, हम हर सतह पे मुजाहमत करेंगे। मैं आखिर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की सदर कंवर शाहजेब साहिबा के भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हें बड़ा रोल प्ले किया है ये प्रायोरिटी लिस्टें फाइनल करने में। रात 4-4 बजे तक ये जागती रही, मेरे से वो लिस्टें फाइनल करती रही और इस मुकाम तक लाने में इनका बड़ा रोल है। इनका भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। आप भी अपने ख्याल जी। मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। नहीं ये आज ये नहीं था, ये अपील है। आपको कोई फाइल कर दी थी पिटीशन, इससे आगे कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, मजीद कोई अपील नहीं। खबर बोलिए जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। इंशाल्लाह आई पीटीआई पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जमहूरियत का इस्तेसाल किया गया, अवाम के मैंडेट का खून किया गया और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर किया गया। आज इस अदालत ने इस बात का यकीन दहानी कराई, इस बात का इकरार किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम के साथ नाइंसाफ़ी हुई, अवाम वोटर के साथ नाइंसाफ़ी हुई और आज वो नाइंसाफ़ी देखे अंडू हुई है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी अदालत का कि उन्होंने आइन की स्पिरिट के मुताबिक जमहूरियत को मुस्तहकम किया। उन्होंने मेहरबानी की है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जिसको वोटर्स ने वोट दिया था उसको वापस असेंबलियों तक लेकर आए, जिसको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया था। अब मेरा इसी बड़ी सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा है कि हमारे लीडर को इलीगल तरीके से नाजायज़ और झूठे केसेस बना के ज़बरदस्ती कैद में रखा गया है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है वो सलूक को डिज़र्व नहीं करते, वहाँ भी इंसाफ करें। इमरान खान की पटिशंस को फौरन लगाया जाए और फौरी तौर पे इंसाफ दिया जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बैरिस्टर गौहर साहब का जिन्होंने इस पूरे मुश्किल वक्त में ख़वातीन विंग का साथ दिया, सलमान अकरम राजा साहब का कि इन्होंने इस मुश्किल वक्त में, इस वक्त जब हम इतनी फसाइत का दौर था, इन्होंने ये केस हमारी आवाज़ बन के, अवाम की आवाज़ बन के इस सुप्रीम कोर्ट के हॉल, ये जो कोर्ट नंबर 1 में, इसको इस अवाम की आवाज़ बने। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का जिन्होंने स्टोलन मैंडेट पे आवाज़ उठाई, हमारे तमाम वकला एलिफ और अब बिलखसूस अपनी मुश्किल वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फैसला दिया है। बैरिस्टर गौर गुफ्तगू कर रहे हैं, कंवल शोज़ब यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा दीगर पीटीआई अरकान यहाँ पर हैं और इसके साथ साथ जो उनके वकील और बैरिस्टर्स हैं वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने शुक्रिया अदा किया इस बड़े अहम फैसले पर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलदम करार देते हुए ये फैसला पीटीआई के हक में आया है और 15 दिन का वक्त दिया गया है कि अगर कोई अभाम है पीटीआई को या किसी जमात को तो 15 दिन में इस पर देखा जा सकता है कि क्या किया जा सकता है।
लेकिन बहरहाल ये फैसला, आपको ये बता दें कि 8-5 से ये फैसला दिया गया है, 5 अकलियती जबकि 8 अक्सरियत के हिसाब से ये फैसला सामने आया है। इंतखाबी निशान के हवाले से कहा गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से कहा गया, ये तमाम तर चीज़ें कल अदम करार दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तें PTI को देने का हुक्म, ये बड़ा अहम और वाज़ फैसला अब से थोड़ी देर पहले सुनाया गया है, जिसके बाद यकीनी तौर पर जो PTI रहनुमा है वो ये कह रहे हैं कि हमारे वकला ने जिस तरह दिन रात काम किया है, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और आज जाकर हमें सुकून की नींद आएगी, क्योंकि कंवल शोजब के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी और बता रहे थे कि वो 3-4 दिन से सो ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।